नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। लेकिन उससे पहले नजर डालते एक बड़ी खबर पर। तो बड़ी खबर, गुरुग्राम हादसे में अब तक दो लोगों की मौत हुई। बिल्डर समेत दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गुरुग्राम हादसे में अब तक दो लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। बिल्डर समेत दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो बिल्डर के खिलाफ सोसाइटी में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि इस बिल्डर के खिलाफ हम पहले भी प्रशासन को शिकायत दे चुके थे, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश मंडल जुड़ चुके हैं। मुकेश, जानकारी चाहेंगे, एक बड़ी कार्रवाई की गई है बिल्डर के खिलाफ, अब एक्शन लिया है प्रशासन ने। देखिए, बिल्डर के खिलाफ एक्शन लिया गया है प्रशासन द्वारा, लेकिन मैं मौके पे हूँ, आपको मैं वो बिल्डिंग दिखाना चाहूंगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको बिल्डिंग दिखाए, और ये देखिए बिल्डिंग का जो आप देख सकते हैं जो फ्लोर है वो आपको साफ तौर पे नजर आ रहा होगा। हालांकि लोगों का आरोप ये भी है कि बिल्डिंग में एक साल पहले भी रिपेयरिंग का काम किया गया था, जो कि साफ आप देखेंगे कैमरे में साफ तौर पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही है बिल्डर के खिलाफ, दो लोगों की इसमें मौत भी हुई है जो खबर आ रही है हमारे पास। लेकिन देखिए जिस तरह से जो फ्लोर का गिरना कहीं ना कहीं एक हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको सीधी तस्वीर दिखाई। यहाँ पे देखिए पुलिस प्रशासन मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन लगातार जो सवाल उठता जा रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों ने लगातार आरोप लगाए कि यहाँ पे किसी भी तरह से कोई कार्रवाई नहीं की गई। और दूसरी ओर आप देखिए, मीटिंग भी चल रही है, जो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं सोसाइटी के, उनके द्वारा एक मीटिंग भी चल रही है। और मीटिंग में आप साफ तौर पर देखिए कि किस तरह से लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, सरकार के बात करें, प्रशासन की बात करें, तमाम जो आला अधिकारी है, तमाम जो यहाँ पे मौजूद है लोग वो नजर बनाए हुए हैं तमाम घटनाओं पे। लेकिन आप साफ तौर पे देख सकते हैं जिस तरह से इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है, लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी की नहीं मानी जाती है, बिल्डर पैसे लेके चले जाते हैं। आप देखिए एक साल पहले ही इस बिल्डिंग में रिपेयरिंग का काम किया गया था, वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि आपको दिखाए, देखिए रिपेयरिंग का काम यहाँ पे किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक लापरवाही है, जब बिल्डर्स को पता है यहाँ पे इस तरह की घटनाएं हो सकती है, उसके बावजूद भी वो यहाँ पे किसी भी तरह से प्रशासन की बात करें या हम आला अधिकारी की बात करें, किसी के संज्ञान में ये मामला नहीं होता। लेकिन जब यहाँ पे एक हादसा होता है तब जाकर कहीं ना कहीं प्रशासन की बात करें हम, चाहे जो यहाँ के लोग हैं उनकी बात करें, वो लगातार जो बिल्डर्स है उसके खिलाफ नारेबाजी करते हैं। आप देखिए, ये मैं आपको नजदीक से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाना चाहूंगा बिल्डिंग की। आप देखिए ये किस तरह से जो ऊपर का जो फ्लोर है, वो जो सरिया है, वो पूरा ही नीचे बैठ गया। तो जो लोग रह रहे थे इस फ्लोर पे उसकी इसमें मृत्यु हुई है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए ये सामने एकदम क्लोज करके मैं बोलूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कि आपको तस्वीरें दिखाएं, जो जिस तरह से जो बिल्डिंग का जो हिस्सा है ऊपर का जो छत है वो कैसे गिरा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप ये देखिए वीडियो देख के आप देख सकते हैं, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। और ये देखिए जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ, एक साल पहले रिपेयरिंग की गई थी, वो देखिए इसी बिल्डिंग में एक साल पहले भी रिपेयरिंग की गई थी, जब ये उस टाइम भी हादसा हो जाता यदि रिपेयरिंग नहीं होती। लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है, सुरक्षा के नाम पर यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन आप देखिए, अब मैं आप कुछ लोग भी हैं उनसे भी बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो मामला है लगातार इस पर प्रशासन की बात करें या मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें, लगातार वो नजर बनाए हुए हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि आला अधिकारियों के हम टच में हैं, और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब तस्वीरें देखिए जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो किस तरह से यहाँ पे बाहर है, घरों से बाहर है, और लगातार यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि जो बिल्डर्स हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, आप लोग यह सोसाइटी में रहते हैं, आप लोग सोसाइटी में रहते हैं क्या, कि ये आप लोग सोसाइटी में रहते हैं क्या, ये बिल्डर्स पहले भी इस तरह से जो बिल्डिंग्स बनाई गई है उसमें भी दरारें देखने को मिली है? बिल्कुल मिलती है भाई, हर तो आप लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया कभी? कंप्लेंट से क्या होता है, कुछ नहीं होता, दबा दी जाती है सारी कंप्लेंट। कंप्लेंट दबा दी जाती है। अब क्या लग रहा है इस हादसे के बाद बिल्डर है उसकी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? देखो क्या होता है भाई, पता नहीं हमें तो। देखिए लोग जो हैं हालांकि बच रहे हैं यहाँ से बातचीत करने से, लेकिन दो तीन तस्वीरें हैं, मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि आपको लेकर चले उस जगह पे जहाँ पे रात में ये हादसा हुआ, और जो बिल्डिंग के लोग थे जो डरे हुए थे उनको रातों रात बाहर शिफ्ट कर दिया गया, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ का जो माहौल है वो लगातार मैं दिखाने की कोशिश करूंगा तस्वीरें के जरिए। यहाँ पे आगे मैं आपको ले चलता हूँ, वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो नजारा मैं दिखा था ये बिल्डिंग का था। ये देखिए ये पूरा सोसाइटी है, और पूरी सोसाइटी में आप देख सकते हैं जिस तरह से मरम्मत का काम किया गया
गया है, पुट्टी लगाकर चिपकाया गया, जो दरारें आई थी उसको पुट्टी लगाकर चिपकाया गया। आप देख सकते हैं बिल्डिंग की हालत देख सकते हैं, हालांकि ज्यादा पुरानी बिल्डिंग नहीं है, लेकिन आरोप ये भी लग रहे हैं कि यहाँ पे बात की जाए इस बिल्डिंग की, तो इस बिल्डिंग के लिए जो पानी का यूज किया गया बिल्डिंग बनाने में वो इसकी जमीन से निकाला गया है। तो कहीं ना कहीं आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पानी है, हालांकि वाटर कहीं और से लाया जाता है जो बिल्डिंग बनता है, लेकिन मुकेश में बात करूं, पानी निकाला गया। अगर मैं बात करूं ये जितने भी टावर्स बनाए गए हैं यहाँ पर, पहले ये था कि खारे पानी की झील टाइप कुछ इस तरीके से खारा पानी यहाँ पर इकट्ठा होता था और उसके ऊपर ये टावर्स बनाए गए हैं, और ऐसे में ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि जो यहाँ पर पानी यूज किया गया होगा वो शायद खारा ही होगा, जिस वजह से आए दिन यहाँ पे इस तरीके की घटना होती रहती है। यही रहते हैं, ऐसा रिपोर्ट करिए सर, आपके सामने स्थिति है, हमारी इंटरव्यू का देखिए यहाँ पे स्थिति हमने दिखाई। हाँ बस, और क्या लगता है जो आप देख के आए? मैं देख के आया हूँ, रिपेयरिंग एक साल पहले भी रिपेयर किया गया था इस बिल्डिंग को। एक साल नहीं, चार साल से चल रहा है। साल से रेजिडेंट इन से चाहिए, वहाँ आपको पता चल जाएगा रेट्रोफिटिंग हुई हुई है क्या हुआ। चार साल देखिए, क्यों नहीं जाने दे रहे इनको देखने? नहीं, यू मस्ट गो टू लास्ट पॉइंट। देखो चार साल से रेजिडेंट इसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कई पहले एफ टावर में भी गिरा था ऐसे करके इसमें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मान ले एक फ्लोर का, सिक्स फ्लोर का यदि फ्लोर गिव इन होता है तो क्या होता है कि बेंट होके उसी पे पांच पे रुक जाना चाहिए, लेकिन सबसे वर्स्ट ये हुआ कि छह वाला पांच को तोड़ते हुए, पांच का चार को तोड़ते हुए ऐसे नीचे तक सबको मार गया। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि यदि सिक्स फ्लोर से नीचे तक आ गया सभी को, तो उसमें लकीली पांच फ्लोर वाले कहीं शादी में बाहर थे, तीन चार वाले खाली था, और दो ही फ्लोर वाले लोग ट्रैप हुए उसमें मरे। और यदि सपोज करो ये 18 फ्लोर से केविन होता तो सारी ऐसे टूट के मरते। तो यही बात है कि इसको आप उसमें तो रिपोर्ट कीजिए कि ये कैसे हो सकता है, मतलब ऐसी बड़ी बिल्डिंग में, इतना पॉश एरिया में, पॉश मतलब इसमें इतना हाईली कॉस्टली जो इतने फ्लैट्स हैं उसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है जो जो एक वजन को नहीं ढील सकती? ये एक्सीडेंट नहीं है, इट्स नॉट एन एक्सीडेंट। ये इनका पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क, पुअर वर्कमैनशिप, जो मटेरियल है सब कुछ पुअर है। और हम चार साल से डेली दरवाजा खटखटा रहे हैं, डीटीसीपी को लिखा, डीसी को लिखा, रिकॉर्डेड मेल्स है हमारे पास कि भाई इसके लिए कुछ करिए। डीटीसीपी ने छह महीने पहले कहा स्ट्रक्चर ऑडिट कराने के लिए, स्ट्रक्चर ऑडिट हुआ, लेकिन उस स्ट्रक्चर ऑडिट में जो रिकमेंडेशन आई उसको आज पर उस पर कार्रवाई नहीं हुई, डीटीसीपी रिपोर्ट दबा के बैठ गई। अब हमें क्या पता कि बिल्डर की परचेजिंग पावर भी इस मामले में शामिल है? अब ये तो अब सामने हालात बता रहे हैं, हम किसी को एलिगेशन क्या लगाएं? आपको साइट तक नहीं जाने दिया गया मीडिया को, तो आप क्या समझते हैं इसमें? यू वांट का हम अपने मुंह से क्या बोले आप नहीं समझ सकते क्या? यू डेली रिपोर्ट, तो आप उसको जाके एक्चुअल देखिए। आपको जब अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे कि आप उसको देख पाएंगे ना कि उसमें क्या लगा है मटेरियल्स? आप उसको रिपोर्ट लेके चलिए, मैं चलता हूँ आपके साथ। चलिए अब मैं चलता हूँ, आप देखते हैं जो मटेरियल का इस्तेमाल। कौन सा जाने देंगे सर? आपको भी क्यों नहीं जाने देंगे सर? क्या बात करते हैं, इनको मटेरियल दिखाओ। देखिए ये यहाँ पे लोग रहते हैं, सोसाइटी में लोग रहते हैं, लेकिन बेसमेंट में क्या दिक्कत है? जो बेसमेंट जो सर बता रहे, मैं देखो ना रेट्रोफिटिंग हो रखी है, नीचे सपोर्टें दी हुई है, सपोर्टें दी गई है। मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो मैं ये चाहूंगा मीडिया उसको प्रॉपर कवर करे, और जो भी डेफिशिएंसी आप देख रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट्स, आप उनको हायर अथॉरिटीज को पुट करें और जाके उनसे भी पूछें कि मतलब आपने अभी तक इस विषय में क्या एक्शन लिया। किधर है बेसमेंट? किधर है बेसमेंट? आपको बता रहे हैं देखिए, और लोगों का आरोप है कि यहाँ पे घटिया साथ में रहता हूँ, घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया इस बिल्डिंग में। जो लोग हैं लगातार चार सालों से प्रशासन के दरवाजे खटखटा रहे हैं, मेल्स कर रहे हैं, डीसी को आवेदन लिख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी के बारे में आप सोचें, क्योंकि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं काफी डरे, वो आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये पहली घटना नहीं है यहाँ पे, इससे पहले भी जैसे कि लोगों का आरोप है, पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी। आप देखिए सामने देखिए, ये बिल्डिंग है, ऊपर से जो फ्लोर तोड़ते हुए नीचे आया क्या मुकेश अंदर जाने की परमिशन है? जाके एनडीआरएफ की, मुकेश अंदर जाने की परमिशन है? कोशिश करिए, जिस तरीके से लोग भी यहां पर बता रहे हैं रेस्क्यू, और देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, हालांकि मैं कोशिश करूंगा दिखाने की आपको एक बार, लेकिन आप देखिए जी इससे आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये तस्वीरें देखिए, इससे आगे जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन लापरवाही किसकी है इसमें? जो जान गंवाने वाले लोग हैं, जिन्होंने सपनों का घर लिया था जिसको कह सकते हैं, और खासतौर पर गुरुग्राम की बात करें तो ऐसी ऐसी सोसाइटियां बहुत है, यदि प्रशासन यदि अपनी नींद से जागता है तो कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन लापरवाही, किसी हादसे का इंतजार करते रहते हैं ये लोग। आप देखिए तस्वीरें देखिए, आप फिर से मैं नजदीक लेके आया हूँ, आप देखिए एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे मौजूद है और किस तरह से यहाँ पे जुटी हुई है
जो तमाम जो एनडीआरएफ की टीम है या पुलिस प्रशासन की बात करें, वो राहत कार्य का बचाव काम चल रहा है अभी भी। आप देखिए सामने तस्वीरें देखिए किस तरह से जो ऊपर का छज्जा है ऊपर से गिरते हुए नीचे आया। हालांकि लोगों का ये कहना है कि दो फ्लोर में लोग नहीं रहते थे और तीसरे फ्लोर में जो लोग रहते थे वो किसी शादी में गए थे, घर में नहीं थे, और यही वजह रही कि इसमें जो हताहत हुई है जो खबर आ रही है उसमें कम लोगों की लेकिन जाने गई है। और लेकिन यदि आप एक ये मानिए यदि उसमें लोग रहते तो अभी तक कहीं ना कहीं आप मैं आगे लेने जाने की कोशिश करूंगा आपको, यदि लोग रहते तो हो सकता है और भी यहाँ पे जो तस्वीरें थी वो कुछ अलग नजर आती। तो कहीं ना कहीं आप देखिए इस तरह से यहाँ पे जो लापरवाही है और लापरवाही की वजह से बिल्डर की लापरवाही कहे तो उसकी वजह से ये जो जाने गई है यहाँ पे, और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि चालू है लेकिन जिम्मेदार कौन है इसका, क्योंकि लोगों का आरोप है 4 साल से वो प्रशासन के पास जा रहे लिख के दे रहे हैं। आप देखिए मैं ये बिल्डिंग है, मैं बिल्डिंग के पास आ गया हूँ, बिल्डिंग के पीछे मैं आपको नजारा दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए यहाँ पे जो बचाव कार्य है इस साइड बैक साइड में देखिए, हालांकि इस साइड आने की अनुमति नहीं दी जा रही थी लेकिन फिर भी हमने कोशिश की आने की। और आप देखिए सामने देखिए तस्वीरें देखिए यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे जो एनडीआरएफ का जवान है, जो एनडीआरएफ की टीम है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और जी। तस्वीरें दिखाई देखिए, ये काफी क्लोज तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, काफी क्लोज तस्वीरें हैं और इस तस्वीर को देख के आप हैरान हो सकते हैं कि लगातार यहाँ पे किस तरह से रात के समय लगातार आपको जो है तो लगातार हरियाणा न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर बिल्डर्स की लापरवाही सामने आई है और अब प्रशासन की तरफ से कड़ा एक्शन लिया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है, तो ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि कब तक लोगों के जिंदगियों का सौदा ये बिल्डर्स करते रहेंगे, क्योंकि करोड़ों के फ्लैट लेकिन जो क्वालिटी है वो बिल्कुल जीरो है। यहां पे जो लोग हैं उनका साफ कहना है कि इससे पहले भी कई बार हम शिकायत कर चुके हैं लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी एक्शन अब तक नहीं लिया गया है। क्या यहां पर जो बिल्डर्स थे, जो प्रशासन है, वो किसी हादसे होने का इंतजार कर रहा है? हमारे सहयोगी मुकेश मंडल लगातार आप तक एक एक अपडेट पहुंचा रहे हैं और सीएम मनोहर लाल खुद इस हादसे की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जांच के आदेश दिए गए हैं ताकि जल्द से जल्द जो भी इस हादसे में शामिल है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो ऐसे में बिल्डर्स के ऊपर आवाज उठाना लाजमी है, क्योंकि ऐसे बिल्डर्स पहले तो लुभावने प्रोजेक्ट्स दिखाकर लोगों की जिंदगी भर की कमाई जो है वो फ्लैट में लगवा देते हैं, उसके बाद इस तरीके के हादसे होते हैं यहां पर और उनके खोखले फ्लैट धराशायी होकर नीचे भर भराकर गिर जाते हैं। तो चिंतल सोसाइटी का हादसों से पुराना नाता रहा है, आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए भी कि किस तरीके से घटिया सामग्री का यहां पर इस्तेमाल किया गया है टावर बनाने में, और 26 मार्च 2021 को डी टावर में घटिया निर्माण की खबर आई थी और उसका जो लोग हैं यहां पर उन्होंने प्रशासन से इसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। उसके बाद जुलाई 2021 में फिर सोसाइटी के एच टावर में फ्लैट की बालकनी से बड़ा प्लास्टर का टुकड़ा गिर गया था, तो तब भी लोगों ने प्रशासन को अवगत करवाया था लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि यहां पर एक हादसा, बड़ा हादसा होने का इंतजार यहां पर ये बिल्डर्स, ये प्रशासन कर रहा था। और 10 फरवरी पिछले कल की हम बात करें तो 2022 के हाई राइज अपार्टमेंट की छत गिर गई और छत जो है वो छठे फ्लोर की गिरी और
गिरते गिरते वो दूसरे फ्लोर तक आई। तो ऐसे में सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि आश्चर्य की बात है कि एक बिल्डिंग का सिक्स फ्लोर, उसकी छत गिरती है और बिल्डिंग वैसी की वैसी ही खड़ी रहती है। क्योंकि जिस तरीके से कल यहां पर तस्वीरें सामने आ रही थी, लगातार एम्बुलेंस का नजर आना, जो प्रशासन के लोग थे उनका आना जाना लगातार बना हुआ था। और अभी सुबह की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से मीडिया कर्मियों को भी यहां पर रोका गया अंदर जाने से, ताकि वो बिल्डर्स की जो बेनकाब चेहरा है वो ना कर सके। तो गुरुग्राम हादसे में अब तक दो लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है और दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो प्रशासन के मिले भगत के बगैर यहां पर इतने बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण नहीं हो सकता। और अगर इस तरीके के हादसे होते हैं तो प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठता है कि जब बार बार यहां के लोग आवाज उठा रहे थे कि इस तरीके के हादसे पहले भी हो रहे थे, तो क्यों उनकी बातों को सुना नहीं गया। तो आसमान छूती हुई इमारतें हैं, भले ही ये शहर की जरूरत बन गई है, लेकिन इस जरूरत को पूरा करने वालों के हाथ भी अब खून से रंगने लगे हैं। क्योंकि जो देर रात यहां पर हादसा हुआ, कल शाम 6 बजे की बात है, और उसके बाद रेस्क्यू टीम पूरे तरीके से यहां पर मुस्तैद दिखाई दी और रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक चला हुआ है। तो क्या बिल्डर ने यहां पर घटिया सामान इस्तेमाल किया हुआ है और इस हादसे की जिम्मेदारी किसकी बनती है, और प्रशासन ने इतनी देर क्यों लगाई यहां पर कार्रवाई करने के लिए, जब प्रशासन को पूरे तरीके से पता था कि इसका मालिक कौन है, तो फिर साथ के साथ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। और जिस तरीके से लोग भी यहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन मीडिया कर्मियों को अंदर जाने से रोक रहा था, कुछ भी बोलने से मना किया गया है। लोग यहां पर अपनी बात रखना चाह रहे थे। आपको हमने सुनाई यहां पर लोगों के बाइट बताई, हमने आपको सुनाई कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों को क्यों रोका गया, क्या जो बिल्डर की काली करतूत है उसको मीडिया उजागर कर सकती थी यहां पर, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा जिस तरीके से यहां पर मीडिया कर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की की गई, तो ऐसे में सवाल उठना पुलिस के ऊपर भी लाजमी बनता है। तो गुरुग्राम के सेक्टर 109 चिंतल सोसाइटी की एक घटना है, जहां पर अब भी बचाव कार्य चला हुआ है और कई लोगों के दबे होने की आशंका भी है, लेकिन अभी मौत की पुष्टि सिर्फ दो लोगों की गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है और आपको बता दें कि द्वारका एक्सप्रेस वे के साथ लगते पॉश इलाका है पूरा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी किस तरीके से आसमान को छूती हुई ये मंजिलें हैं, लेकिन जो हकीकत है कुछ और ही बयां कर रही है। तो अब इस पूरे हादसे की जांच जो है वो एडीसी विश्राम कुमार को सौंपी गई है, और अब जो विभागों के अधिकारी हैं, जो भी इससे संबंधित विभाग हैं उनके जो अधिकारी हैं और सोसाइटी के जो प्रतिनिधि हैं, उनको भी इस जांच में शामिल किया जाएगा। और सोसाइटी के निवासियों को भी भरोसा दिलाया गया है कि इस मामले में एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है और जल्द से जल्द कार्रवाई भी की जाएगी और कड़ा एक्शन, जो भी इस मामले में संलिप्त पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश मंडल जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, अपडेट दीजिए।
देखिए अनु, बिल्कुल मैं तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको तस्वीरें दिखाइए। आप देख सकते हैं लिंटर, जो छत का लिंटर है वो किस तरह से नीचे गिरा है, और हालांकि यहाँ पे जो मलबा है वो पूरा अगले फ्लोर पे आ गया। आप देखिए एनडीआरएफ की यहाँ पे टीम है, और मैं उनसे भी बातचीत करने की एक बार कोशिश करूंगा। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा एक बार कि वो जो एनडीआरएफ की टीम है, जो राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे यहाँ पे। ये तिवारी जी हैं एनडीआरएफ से। सर एक बार बताइए, अब आप लोग कितने घंटे हो गए यहाँ पे? आप लोग हमारे कल 7:30 बजे हमारी टीम ने यहाँ पे रिपोर्ट किया था, तब से अभी तक ऑपरेशन जारी है। मेन जो जिंदा लोगों को निकालने की संभावना थी वो निकल चुके हैं। डेड बॉडी अभी हमने लोकेट की है, उस पर काम चला हुआ है। अभी तक दो निकली हैं, एक निकली है, एक और हमने लोकेट की है, थोड़ी देर में उम्मीद है कि निकल जाएगी। इंजर्ड दो, जो एक हमारे आने से पहले निकाल लिए गए थे, और एक हमने 16 घंटे के लगातार ऑपरेशन के बाद, डे नाइट ऑपरेशन के बाद हमने आज 11:15 बजे उनको निकाल लिया था। तो अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा जब तक आप लोगों को यहाँ पे प्रशासन की तरफ से जाने के लिए ना कहे। जी हाँ जी हाँ। तो क्या मान के चले कितने घंटे का और रह गया काम? ये तो ऑपरेशन जब तक जिला प्रशासन संतुष्टिपूर्वक क्लियरेंस नहीं देता था तब तक जारी रहेगा। आप लोग की टीम अंदर मौजूद है, मलबा को हटाने में जो बॉडी है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है कितने देर ऑपरेशन आप लोगों का पूरा हो जाएगा? क्योंकि बिल्डिंग बड़ा अनसेफ, और जिस रबल के नीचे डेड बॉडी लोकेट किया है वो बहुत ही अनस्टेबल है, उसमें थोड़ी जल्दबाजी खतरनाक साबित हो सकती है रेस्क्यूअर के लिए, और फिर डेड बॉडी को भी हम ढंग से रिट्रीव नहीं कर पाएंगे, इसलिए बारीकी से काम कर रहे हैं। हो सकता है कुछ घंटों में हो जाए, हो सकता है कि कल का भी दिन हमें इस्तेमाल करना पड़े। तो मतलब एक डेड बॉडी आपने निकाली, एक डेड बॉडी अंदर ही है? जी हाँ, टोटल दो डेड बॉडी। जी तो ये देखिए एनडीआरएफ के कमांडेंट हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि दो डेड बॉडी जो पुष्टि की गई है, दो लोगों की मृत्यु मौत की पुष्टि की गई, एक को निकाल लिया गया बॉडी, दूसरी बॉडी अभी भी इस बिल्डिंग के अंदर है जहां पे एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार अपना रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है। और खासतौर पर यहाँ पे एक चीज और तस्वीरें दिखाऊंगा मैं आपको। आप देख सकते हैं जो ये फ्लोर है, यदि फर्स्ट फ्लोर की बात करें जहां पे डेड बॉडी निकाली गई, उससे दो फ्लोर ऊपर हम चले जाते हैं तो दोनों फ्लोर खाली है। उससे ऊपर वाले फ्लोर की बात करें तो शादी में गए हुए थे, इसी वजह से ये तीन फ्लोर है वो उसमें लोग नहीं थे, लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर था उसमें जो जिसकी मृत्यु हुई है पुष्टि की गई है, उसमें हालांकि उसमें अभी हुई है जिसको निकालने का यहाँ पे काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो बिल्डर्स हैं उनकी मनमानी यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं, और लापरवाही देख सकते हैं जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे खड़े किए हैं। और इस बिल्डिंग का नतीजा देखिए किस तरह से जो मलबा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जो तस्वीरें हैं काफी हैरान करने वाली है, काफी परेशान करने वाली है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लापरवाही आप देख सकते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है मामले में, लेकिन तमाम चीजों से हटके हम बात करें तो जो बिल्डिंग बनाने में जो पानी का यूज किया जाता है, खारे पानी का, वो कहीं और से नहीं लाया जाता, बल्कि बिल्डिंग के अंदर ही हैंडपंप लगाया जाता है, जो ट्यूबवेल लगाया जाता है, उसके बाद जाकर पानी निकाला जाता है यहाँ से, और उसी पानी से ये बिल्डिंग यहाँ पे काम होता है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही है, एक बहुत बड़ी लापरवाही है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि लगातार 4 सालों से वो प्रशासन के पास, डीसी के पास जा रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, वो शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अब देखिए एक साल पहले ही यहाँ पे इस बिल्डिंग, एक साल की बात करें तो हर एक साल पहले इस बिल्डिंग का जो एक हिस्सा था उसमें दरार आई थी, तो उसको भी यहाँ पर ठीक किया गया है। लेकिन सवाल वही है कि जब तक इस तरह से हादसे नहीं होते तब तक ना प्रशासन की नींद खुलती है और ना ही जो बिल्डर है उनकी मरम्मत रुकती है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जिस तरह से आज की बात, जो लोग हैं यहाँ पे वो अपने घरों के बाहर हैं, डरे हुए हैं, उनका साथ है कोई और हादसा हो जाए, इसीलिए वो अपने घरों से बाहर आ गए हैं। लेकिन बात करें तो कल शाम जैसे ही इस घटना की सूचना मिली तमाम प्रशासन के लोग यहाँ पे आ गए। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ तौर पे कहा है कि हम नजर बनाए हुए हैं तमाम इस घटना पे। लेकिन आप देखिए बिल्डिंग का दूसरा हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए दूसरे हिस्से में आप साफ तौर पर देखिए यहाँ पे भी जो बचाव कार्य है वो लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम अंदर मौजूद है, डेड बॉडी अंदर एक है, उसको निकालने का काम यहाँ पे जारी है। एक डेड बॉडी निकाल लिया गया है, एक डेड बॉडी जो है जिसको एनडीआरएफ ने पुष्टि की है कि एक डेड बॉडी अंदर है, उसको निकालने का काम अभी जारी है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ी लापरवाही गुरुग्राम में आपको देखने को मिल रहा होगा इस समय, और सोसाइटी में जिस तरह से बिल्डर्स की बात करें तो बिल्डर्स की लगातार मनमानी, आप कई खबरें भी आती है हमारे पास, कई शिकायतें भी आती है, बिल्डर्स के खिलाफ लोगों का प्रोटेस्ट होता है, लेकिन प्रशासन की बात करें
लगातार चार सालों से जब डीसी के पास एप्लीकेशन गया, मेल गया, उसके बाद बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जैसा कि लोगों का आरोप है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इसमें लापरवाही की बात करें तो लगातार जो तस्वीरें सामने है उसको देखने के बाद आप कह सकते हैं कि जिस तरह से बिल्डर्स ने इस बिल्डिंग को बनाया, तो आप देखिए सामने, देखिए ये देखिए, मैं बार बार आपको दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दरारें आ गई थी, पड़ी हुई है और यहाँ पे उसको पैचेस लगाए गए हैं। वही सवाल मुकेश हमारा यहाँ पर यही है कि करोड़ों के फ्लैट है ये, कीमत इनकी 2 लाख के करीब है लेकिन क्वालिटी बिल्कुल जीरो है, कैसे ऐसे ये बिल्डर्स जो है वो लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते रहेंगे। देखिए बिल्कुल, लगातार लोगों का सपना होता है एक अपना घर बनाना, और खासतौर पे जो एक अच्छी सोसाइटी हो उसमें हर कोई रहना चाहता है, लेकिन बिल्डर की मनमानी की वजह से, बिल्डर के घटिया मटेरियल की वजह से जो इस तरह की खबरें हैं और वो सामने आती रहती है, जो सपनों का घर होता है उसी में उनकी मौत होती है, बिल्डिंग गिरने से, मलबा गिरने से, तमाम तरह की खबरें आती रहती है। लेकिन सवाल वही उठता है कि जब ये बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है, इस तरह से बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है, तब जाकर जो इनका पैमाना है, जो इनकी जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो क्यों नहीं करते, उसका पालन, ये चीजें हैं जिसका जो सवाल अभी बनता है, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरह से लापरवाही हुई है और लगातार आप देखिए जो यहाँ रहते हैं वो अपने घरों के बाहर गए हैं, लगातार डर बना हुआ है उनमें, कहीं इस तरह से हादसा से ना हो जाए, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं मुकेश यहाँ पर जो यहाँ के लोग थे वो प्रदर्शन भी कर रहे थे बिल्डर्स के खिलाफ, क्या उनके उनको आश्वासन दिया गया किसी चीज का, क्योंकि जब हम सुबह तस्वीरें दिखा रहे तो यहाँ पर जितने भी जी बिल्कुल जो प्रोटेस्ट कर यहाँ पे मौजूद है लोग अब बात कर रहे हैं अभी गुस्सा है पर डर जो है वो उनके जहन में अब तक बना हुआ है। देखिए बिल्कुल लगातार आपको दिखाऊं यहाँ के, आप देखिए ये और किस तरह बाहर आए और इनको डर है इस बात का, क्योंकि ये देखिए इस बिल्डिंग की यदि हम बात करें तो यही बिल्डिंग नहीं बल्कि जो यहाँ पे जितने सारी बिल्डिंग बनी है वहां पे हर बिल्डिंग में रिपेयरिंग का काम लगातार चलता रहता है, कहीं कह सकते हैं आप जो एक बिल्डिंग नहीं, इस तरह से जो हादसे होते रहेंगे तो और भी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। चलिए मुकेश बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।